ए कहाँ जा रहा है? कोस के बोलो क्या दुकान है इसका? इंग्लिश भाषा यही जानता है, ठीक है इंग्लिश भाषा। 14 दिन बाद जो है रिव्यू में से वापस आया। आप लोग जो है 8 दिन होता है तब तक बेचैन हो जाते हैं। आंखों ही आंखों से दिल की बात समझ लेते हैं, जो सपने में आ जाए उसे सच्ची मुलाकात समझ लेते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी जो है हम चल रहे हैं बाल कटवाने, ठीक है सुबह का समय है, चल रहे हैं बाल कटवाने के लिए। हमारा साइकिल है और साइकिल से चलते हैं चौक पे और फिर जो है वहाँ बाल कटवाएंगे। और अभी माँ पापा जी लोग है जो नहीं आए हैं, अभी मामा के घर है, मामा जी के घर। देखिए कब आता, ये देखिए कहाँ जाएगा ओए लड़का। ये देखिए वो भी जा रहा है मेला देखने के लिए, मतलब चौक पे जा रहा है, बोल रहा है कि मेला जाएंगे। तो चलिए अभी हम अपने साइकिल से चलते हैं, ये हमारा साइकिल है, चलते हैं चौक पे। अभी देखिए गाइस हम जाने वाले थे चौक पे, तब तक जो है फोन आ गया है एक आदमी का कि हम आ रहे हैं, तो अब रुक जाते हैं, वो आएंगे तो हम जाएंगे उनसे मिल के। क्या कह रहे हैं सुनिएगा आप लोग भी। देखिए साइकिल पे बैठे हुए हैं, आने देते हैं, देख चौक पे वो है। दोस्तों यही है जो हम बोले हैं आने वाले हैं, फोन किए थे, तो यही भैया हैं और इनका जो है ये आईडी है। बहुत बार आप लोग देखे होंगे, इनके जो है वाइफ चलाती है रूपम शर्मा के नाम से, ये आईडी है। और इन स्ट्रीम एड वाला जो था हमें डाले हुए थे रिव्यू में डाले हुए थे। देखिए कितना दिन बाद वापस आया है, पहले देख लीजिए यहाँ पे सब सही हो गया है, आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो है खुल गया है, इन स्ट्रीम एड जो है इनका खुल गया है और 001 पॉइंट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कितना दिन बाद वापस आया रिव्यू में से बताइए। 14 दिन देखिए 14 दिन बाद जो है रिव्यू में से वापस आया, और 14 दिन बाद और आप लोग जो है 8 दिन होता है तब तक बेचैन हो जाते हैं कि रिव्यू में से नहीं आया, रिव्यू में चला गया है, अभी तक रिव्यू में है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। उसमें खुद वो बताता है कि 2 वीक्स लगेगा, खुद बताता है। तो 14 दिन जैसे इनका पुगार वापस आ गया रिव्यू में से मोनेटाइज होके, देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने है 14 दिन बाद जो है मोनेटाइज होके आया हुआ है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, 14 दिन वेट करना है, उसके बाद मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए आप सब आपका ठीक है, आप वीडियो डालिए। ठीक है ठीक है, कहाँ से आए हैं बता दीजिए एक बार। हम गांव बगवरी से आए हैं और आप लोग भी वीडियो बनाइए डालिए, और कुछ नहीं हो रहा है तो भैया से आकर मिलिए, चलिए भैया बताएंगे। और रिव्यू में जब जा रहा है तो कम से कम 15 दिन वेट कीजिए आप लोग भी, किसी किसी का एक एक मंथ लग जाता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। वो फेसबुक के हाथ में चला जाता है, जब रिव्यू में गया तो उसके हाथ में कब देगा। हाँ इसलिए घबराइएगा मत, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो। अब कॉपी पेस्ट करते होंगे तो उसका रिक्स भाई नहीं है किसी के पास, अगर अपना खुद का कंटेंट है तो 15 दिन कम से कम वेट करना चाहिए आपको, ठीक है। दोस्तों अभी जो है हम लोग जा रहे हैं चौक पे, हम जा रहे हैं बाल कटवाने, और कहाँ जा रहा है बउआ? इधर देखो कहाँ जा रहा है? कोस के बोलो क्या दुकान है? इसका इंग्लिश भाषा यही जानता है, ठीक है इंग्लिश भाषा, उर्दू फांसी क्या बोलता है यही समझता है। ही जा रहा है मेला घूमने, चौक को बोलता है कि मेला घूमने जा रहे हैं, मेला घूमने। क्या हुआ रे? काटा दिया गाल मार ना उतर के। तो गाइस इसकी मम्मी भी पीछे से आ रही है क्योंकि उसको सामान वामान खरीदना है, और इसको हम वहाँ पे रख देंगे। तो गाइस अभी आ गए चौक पे साइकिल से, देखिए चौक अभी जो शांत पड़ा हुआ है, लोग देख के हंस भी रहे हैं कि अब ब्लॉग शूट कर रहे हैं, बहुत हजूर खाता रहा तू। ये देखिए छाता सिल रहे हैं और ये बाइक आ रहा है और हम चल रहे हैं। अरे दुकान बंद है क्या भाई? ये देखो भाई ये मनोरंजन ठाकुर का दुकान आप सबको दिखा रहे हैं। अरे दुकान के आगे कितना कीचड़ फैला के रखा हुआ है मनोरंजन ठाकुर है। ये देखिए उसके शीशे में हम दिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे बाल कटाएगा आज। दोस्तों फाइनली हॉट सीट पे बैठ गए हैं बाल कटवाने के लिए, ये हॉट सीट है आप लोग देखिए, आप लोग भी जाते होंगे कटवाने। और ये मनोरंजन का सैलून है, हम जो है हमेशा इसके सैलून में बाल कटवा रहे हैं। कैसा बाल हमारा दाढ़ी सेटअप वोटअप करता है आप लोग देख भी करते हैं, आज भी देखिए कैसा करता है,
कुछ पता नहीं हमको, कैसा कीजिएगा भाई बताओ है? इसके बागड़ है समझे, बोलता नहीं है, तो इसको सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो भाई देखिए अभी जो है हमारा बाल कटिंग स्टार्ट हो गया है, सब दिन से हट के। अच्छा मतलब कि बाकी दिनों से जो है आज नेक्स्ट लेवल का बाल कटा रहा है। देखिए कैसे कटा रहा है, तो गाइज बाल कटा गया और दाढ़ी भी सेविंग हो गया। देखिए अभी आपको करते हैं, मोबाइल 1% हो गया, बैठा नहीं गया, अभी चालू है और इधर अभी कटिंग हो रहा है, और पैसा हम पे नहीं करेंगे क्योंकि मोबाइल हमारा पैसा है भाई, ठीक है, पे। तो दोस्तों अभी आ गए सैलून में से डायरेक्टली घर पे, और यहाँ आके सबसे पहले हमको खाना खाना है, उसके बाद नहाएंगे क्योंकि भूख लग गया है। तो पहले खाना खाते हैं फिर जो है नहाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा खाना है, तो खाना खाते हैं उसके बाद जो है मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों खा के और नहा के और कपड़ा पहन के आ गया हूँ छत पे, वही वाला शॉर्ट है, अभी गंदा नहीं हुआ है तो इसलिए वही वाला शॉर्ट पहन लिए हैं। और देखिए हमारा जो है फेस का जो फेस क्लीन क्या बोलते हैं उसको, हाँ सेविंग हुआ है, जो सेविंग हुआ है कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और बाल का कटिंग देखिए, देख सकते हैं चारों तरफ से ये कटिंग हुआ है हमारे बाल का। और अभी जो है शायद हमको फुआ को पहुंचाने जाना है, पकड़ी पारस पकड़ी, तो अभी देखिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फिलहाल जो है अभी चल रहे हैं वो खोपिया फैक्ट्री में, वहाँ से फुआ के लिए जो है ला के देना है, तिलौड़ी उलौड़ी जा रहे हैं लाने के लिए, ठीक है अभी चल रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए हमसे मिलने के लिए चंदन जी आए हैं, जो कि इंजीनियरिंग लास्ट ईयर इनका चल रहा है, और ये बहुत अच्छा जो है शायरी बनाए हुए हैं और जो है पोएट्री लिखते हैं। तो थोड़ा सा जो है आप एक शायरी सुनाइए इस हमारे ब्लॉग में। आंखों ही आंखों से दिल की बात समझ लेते हैं, जो सपने में आ जाए उसे सच्ची मुलाकात समझ लेते हैं। कि आंखों ही आंखों से दिल की बात समझ लेते हैं, जो सपने में आ जाए उसे सच्ची मुलाकात समझ लेते हैं। रोता है आसमां इस धरती से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं कि उसे बरसात समझ लेते हैं। क्या है अब, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए तो अब शाम का समय हो गया है, अब हम कहीं जाने वाले हैं तो हम अब निकल रहे हैं, ठीक है, फुआ को पहुँचाने जाना है, बता ही दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, ठीक है।